ना तो मेरी किसी ब्राह्मण से या जाट से या किसी ठाकुर से कोई किसी तरह का आज तक कोई शब्द जाति को लेकर के नहीं है। हाँ, मैंने अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारे महापुरुषों ने, कबीर दास ने, गुरु नानक देव ने, संविधान के रचयिता अम्बेडकर ने, फूले साहब ने, जो सब महापुरुषों ने वर्णन किया। दूसरी बात कि राजकुमार सैनी ओबीसी की पैरवाई कर क्यों कर रहा है, इसे बदनाम कर दिया जाए। मैं 100% आरक्षण का पक्षधर हूं। मैंने ये बात उस दिन कही थी जब जाट आरक्षण की बात आई थी कि भाई अब देश में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी सबको आरक्षित कर दिया जाए ताकि कोई किसी के हक को छीन ना सके। यही हमारे संविधान की मूल भावना है कि संविधान में कोई जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान से ना कोई नीचे है और ना कोई ऊपर है। इसी मूल भावना पे ये लगभग लाखों कापियां मैंने लोगों तक पहुंचाई। बताइए इसमें मैंने कौन सी जाति का विरोध किया? अंधविश्वास का विरोध किया तो कुछ लोगों ने कहा ब्राह्मण विरोधी। जब मैंने इनकी बैकवर्ड की पैरवाई के हिस्से की बात की तो एक समाज ने कहा कि ये जो है ना जाट विरोधी। भाई ना मैं जाट विरोधी, ना ब्राह्मण विरोधी, ना मैं बढ़िया विरोधी, मैं तो सबके हक का पक्षधर हूं। किसी की भावना को हर्ट करने का ना मेरा कभी मंसूबा रहा और ना मैंने कभी ये शब्द बोले जो मेरे पर आरोप लगाए। लेकिन सच कहना इस देश में सबसे बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ तो भाई मुर्गे वाला काम होया, जो सबको जगाता है बस उसकी गर्दन पर शाम को छुरी फेर देते हैं लोग, वही काम मेरे साथ हुआ। लेकिन इस मूल भावना को, संविधान की मूल भावना को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो राहुल गांधी ने जो इस बात को उठाया जन जन के बीच में कि मैं जाति के जनगणना कराऊंगा, 50% की सीमा हटाके सबके हकों को सुनिश्चित कराऊंगा, संस्थाओं में भी, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो शासन प्रशासन है, जो संख्या मुताबिक सबको हिस्सा मिलेगा, कोई भी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकेगा, मैं संविधान को पूर्णतः लागू करूंगा। जिनमें 32 दलों ने तो कल जाके मेरे साथ कांग्रेस का समर्थन इसलिए किया कि जब राहुल, कांग्रेस पार्टी आज उस बात की पक्षधर है और हम भी वही बात कह रहे हैं कि सबके हक सबको मिलने चाहिए, तो फिर क्यों हम अलग अलग मंचों पे खड़े होकर के जनता को कष्ट दें? हम इकट्ठे होकर के एक ही मंच से इस बात को उठा करके इस पाखंडी सरकार को हटाएं जो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। कभी कहते हैं 15 लाख देंगे, कभी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी कहते हैं किसान की आमदन 2 गुनी कर देंगे, कभी कहते हैं जो पेट्रोल आपको 35 रुपए में मिल जाएगा, कभी कहते हैं गैस सिलेंडर 450 का 300 में दे देंगे, अभी राजस्थान में मोदी जी कह गए 450 का देंगे। क्या भाई वो हिंदुओं को लहदे रेट पे दे रहे हैं, मुसलमानों को लहदे रेट पे दे रहे हैं? जो ये दिन रात झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं इतने कह रहा, पहला तो कह रहा मेरी क्वालिफिकेशन से कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तो इतने दिन भीख मांग के खाया, फिर पता नहीं वो डिग्रियां कहां से लाया। हमें ये पता नहीं कि एक एक शब्द में कितने कितने झूठ छुपे हैं। लेकिन हम इस झूठी और पाखंडी सरकार को हटाएंगे और हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। आज पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं, ये जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं कोई बसपा में, कोई मोदी जी के बहकावे में इधर उधर छिटक गए थे, वो सभी दल आज इकट्ठे होकर के कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं और हम हरियाणा की 10 सीटें जीत के दिखाएंगे। मेरा एक सवाल है जी, हमने लगभग 32 दलों ने कल समर्थन किया है कि आप लोगों को हिस्सेदारी दिलाएं
हम आपके साथ हैं। कांग्रेस का कर है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का विलय तो नहीं आपकी पार्टी का? नहीं नहीं, हमने किसी भी दल ने विलय नहीं किया। अच्छा, इंडिया का समर्थन किया भी मांगी आपने की एक कोई? हमने बिना शर्त, हमने बिना शर्त समर्थन किया है, बिना शर्त समर्थन। और उसमें साथ ये भी कहा कि अगर आप इंसाफ के पक्षधर हैं, हमें पूरा भरोसा है, आप इनको एमपी एमएलए की टिकटों के साथ साथ जोड़ करके आप इनको इनकी हिस्सेदारी तक पहुंचाएं। कितने संगठन अगर आपको हमारे कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी संस्थाएं ईडी है, सीबीआई है या चुनाव आयोग है, ये नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ इस तरह मतलब बपोती बन चुके हैं। 6 महीने पहले चुनाव आयोग को रजिस्टर्ड पार्टियों को सिंबल अलॉट करने होते हैं। अभी तक किसी भी पार्टी को, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, सबको झूठ पे झूठ लटकाया जा रहा है और सिंबल अभी तक 6 महीने में किसी भी पार्टी को अलॉट नहीं किया। ये स्थिति है देश में। किसी भी मतलब जो है ना, मुझे खुद दो जनवरी को हमने एप्लीकेशन डाल दी थी, क्योंकि 6 महीने पहले डालनी होती है। लोकतांत्रिक सुरक्षा मंच है ना की पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और इतने राउंड चुनाव आयोग के हमारे जनरल सेक्रेटरी और मैंने खुद लगा दिए, इतनी क्वेरीज दी, सबकी कंप्लेंस होने के बाद भी कह दिया कि भाई आपकी एप्लीकेशन, आप फ्रेश एप्लीकेशन दो, और जब फ्रेश दी तो ये लेट होगी। भाई या तो पहली बार हमने डिसमिस करियो, हमारी पहली एप्लीकेशन डिसमिस करियो, उसकी कंप्लेंस में हमने सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए, तो एप्लीकेशन तो वही नहीं चाहिए। अब हमने चुनाव आयोग को लीगल नोटिस दिया और अभी का मतलब जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे। दो जनवरी को, इसलिए अभी स्पष्ट नहीं है। अभी अगर 32 दल जो समर्थन दे के आए हैं, हाँ। अगर उनको कोई सीट हरियाणा में इंडिया गठबंधन लड़ाता है तो अभी ये स्पष्ट नहीं है किसके सिंबल पे लड़ेंगे। हाँ, अभी 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 ये समस्या ये है कि चुनाव आयोग ने किसी भी दल को सिंबल ही नहीं दिया। ये 32 संगठन हरियाणा के या पूरे देश के? ये पूरे देश के हैं, पूरे देश के। तो इसमें 4-5 हरियाणा के भी हैं जो अभी आने वाले हैं। कोई ऐसी बात भी है कि कोई सीट देंगे 32 दलों को? देखिए, जब बिना शर्त होता है और उसमें ये बात कहा कि सबके हक सबको मिले, तो पहले तो टिकटों में ही मिले, टिकटों मिलना चाहिए। केजरीवाल दूसरा जी, वो हमेशा सच बोलने वाले को गुनाहगार ठहराया जाता है। ये इस देश का दस्तूर रहा है, इस दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का दस्तूर रहा है। चाहे इसमें सोक्रेटिस है, चाहे ईसा मसीह है, सबको फांसियों पर टांग दिया लोगों ने। सर, कुछ क्षेत्र से प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए, कब शुरू करेंगे आप? देखिए, मेरी अभी, मैं इन 32 दलों का कन्वीनर बना करके, रजिस्टर्ड पार्टियों का गठबंधन जिसका कन्वीनर राजकुमार सैनी, और रेकोगनाइज पार्टियों का कन्वीनर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, और दोनों गठबंधनों का एक गठबंधन पूरे देश में एक धमाका लाएगा। अभी सैकड़ों दल और ज्वाइन कराऊंगा। तो चार प्रसार जैसे ही हमारे पास जो है ना, ऊपर मेरा अभी 2-3 दिन का काम और बाकी है, जो लोग प्रथम चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी टिकटों की भी जो है ना, उनको मिलना चाहिए उनका हिस्सा जो वहां पर जिन्होंने बायोडाटा दे रखे हैं। क्या आपको कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने की कोई ऑफर हुई थी? देखिए, मैं कोई कहा कि भाई आप जो है ना अपना सब कुछ उसमें हमारे बीच में डाल दो, तो कल को फिर बेइंसाफी हो, तो अपने पास फिर क्या जवाब है? विश्वास नहीं, विलय नहीं करोगे गठबंधन? नहीं, विलय हम विश्वास के साथ तो हमने गठबंधन किया, लेकिन जिन लोगों को हमने भरोसा दिला रखा है कि आपको इंसाफ दिलाएंगे, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं भारत जोड़ो यात्रा के, बिल्कुल बस जो मतलब जो है ना, राहुल गांधी ने जनता के बीच कहा कि हम सबका हिस्सा सबको देंगे जातिगत जनगणना करा के, उसी वजह से हमने ये सोचा कि अलग अलग मंच से नहीं, एक ही मंच से काम हो। वो आपका ही घोषणा, हमने 8 साल पहले स्टार्ट किया था, वही बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं। और भी दल है कोई 32 में? कोई भारत वो लिस्ट ला रहा है।
देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में रह गए कांग्रेस बीजेपी की नजर में। वो भ्रष्टाचारी जिनको आप गोद में लेके बैठ गए या तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे या आपके घर में इतने मतलब ना आपके एमपी के पास और कईयों के पास कितने नोट मिले, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वालों के को आपने टिकट दी, किसानों को चैलेंज किया आपने किस्म से, लो हमने टिकट उसको दी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के लोग आठ मार दिए थे। ये एक चैलेंज है गफलत का। ये कभी कांग्रेस ने भी 1977 में ये सरगर्मी दिखाई थी, 75 में एमरजेंसी में, लेकिन आज वही गर्मी बीजेपी दिखा रही है। मुझे लगता है इन्हीं की तपिश इन्हीं को झुलस देगी। देश की कांग्रेस का कार्य किया गया, आपका क्या कहना है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में? देखिए मेरा मैंने आपको कहा कि निरीक्षण तो डिपार्टमेंटों के पास है, सीबीआई के पास होगा या उसके उसके ईडी के पास होगा, उसका खुलासा तो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष के लोग रह गए? वो जो भ्रष्टाचारी आप इस लिस्ट में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले, आज कांग्रेस का खाता सीज है, क्या कांग्रेस का खाता सीज करना ही ये रोकना नहीं है प्रजातंत्र को कि ये लोग नॉमिनेशन भी ना कर सकें? और जो 8415-17 करोड़ रुपये कल्ले बीजेपी वाले ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लेके जो 4 दिन पहले सीबीआई छापे मारती है और उसके फौरन बाद उससे हफ्ते के अंदर अंदर उससे वसूली होती है 500-500, 300-300 करोड़ की, ये है भ्रष्टाचार तो असली। अगर समर्थन करेंगे चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा लोकसभा का? बिल्कुल लड़ूंगा। तो सीट भी देखिए मैं कुरुक्षेत्र लड़ता था, अब वो तो उनके गठबंधन में पहले चली गई, अब उसके बाद सोचा जाएगा कि लड़ना है नहीं लड़ना है, और अगर लड़ना पड़ा तो मैं सोनीपत लड़ूंगा।